अच्छा, अब अगर हम बात करें ना, तो इस वक्त इंडिया जो है, इंडिया अपने गोल्स बहुत ज्यादा हाई सेट कर रहा है। चाइना जो एशियन सुपर पावर कहलाया जाता है, आपने कहा कि पाकिस्तान एक स्ट्रांग मुल्क है, उसको इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इंडिया देखें, इंडिया हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, मानती है इस चीज को। जी, इंडिया हमसे ज्यादा स्ट्रांग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए? मैं भी ठीक। मैम, मेरा आपसे सवाल यह है कि हर साल इंडिया अपनी आर्मी की जितनी भी चीजें होती हैं वो सेल करके अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, लेता है देता नहीं है देसी मुल्क को। पाकिस्तान को क्या ऐसा करना चाहिए कि वो भी ज़र मुबादला कमाए इंडिया की तरह? पाकिस्तान को करना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी जो है उनको बहुत अच्छा इस पर फोकस करना चाहिए, इस पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए, ताकि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको भी पाकिस्तान में आके फिजिबल फील हो और कंफर्टेबल फील हो, सिक्योरिटी के हवाले से भी और हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी। करते हैं इंडिया की, तो इंडिया अपनी आर्मी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सेल करके अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाता है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठा रहा, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली एक ऑलरेडी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मुल्क समझता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस मुल्क वो होता है जो अपने आप को दोस्ती और अच्छे लिंक्स के हिसाब से आगे चलाने की कोशिश में हो। और इंडिया जो है वो इसलिए विन है, हम लोगों से थोड़े वो लोग हमेशा से आगे रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो लोग अपने गैर मुल्कियों से ताल्लुकात हमेशा बना के रखते हैं। और जिस तरह इमरान खान इधर आया था और इमरान खान ने हमेशा कोशिश की कि हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे बने रहें, और उसकी वजह ये थी कि उसका गैर मुल्कियों से ज़्यादा अच्छा था, वो यहाँ हमारे मुल्क में यंग जनरेशन के साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट और कोऑर्डिनेट कर रहा था। और फॉर एग्जांपल आप लगा लें नवाज शरीफ है, उसने हमारे मुल्क के लिए बहुत सी अच्छी एक्टिविटीज़ की, लाइक ब्रिज बनाए, चीज़ें बनाई, ये मार्केट्स बनाई। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया अपनी आर्मी के जो वेपन्स वगैरह होते हैं वो चीज़ें नेक्स्ट ईयर सेल करके अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाती है, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ इम्पोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या कहना चाहिए? आपने आर्मी की बात की है, आप किसी भी सेक्टर को ले लें, इंडिया ने अपनी इम्पोर्ट्स बंद की हुई हैं, उन्होंने अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जो है वो फोकस किया हुआ है। आप देख लें कौन सी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में नहीं है, सुई से लेकर जहाज़ तक प्योरली मेड इन इंडिया का बनाया हुआ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि हमें फॉरेन कंट्रीज़ में भी, आप बजाज को देख लें, आप टाटा मोटर्स को देख लें, क्या बाहर के मुल्क में वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? क्या हमें बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में ये इंडस्ट्रीज़ नज़र नहीं आती है? आती है नज़र। तो आपने जो बात की है कि डिफेंस के सेक्टर में वो लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, अगर डिफेंस का सेक्टर हम पाकिस्तान का देखें, तो पाकिस्तान की बात करें तो हमारा हाफ से ज़्यादा बजट जो है वो आर्मी पर ही लगता है, बट फिर भी हम लोग जो है उसमें भी जो पुर्जे हैं वो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, हम लोग पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट ही नहीं करते हैं। आपको पता है कि शुरू दिन से हमारा चाइना ने साथ दिया है, अब हमें चाइना ने खिलाया है, हम हाथ पाँव हिलाना नहीं चाह रहे हैं, हमें पता है कि हमें आ जानी है, हमें कोई तकलीफ ही नहीं होनी है, इसलिए हम लोगों ने अपनी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई हुई है। उसके अलावा अगर आप डिफेंस से हटकर थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाए ना, तो हम लोगों ने जितनी भी सैटेलाइट्स, जितने भी रॉकेट्स, जितने भी मिसाइल बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ चाइना बनाए हैं, हमारी अपनी उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो जब हमारी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, मेड इन इंडिया मेड इन पाकिस्तान बीच में लग ही नहीं रहा है, तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? बात करते हैं इंडियन की, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है, इम्पोर्ट भी करता है। जो अपनी आर्मी की जो चीज़ें हैं वो सेल करके ज़र मुबादला अपने मुल्क के लिए कमाता है, क्या फ़ायदा होगा इंडियन मुल्क को उससे? हाँ जी, इंडियन मुल्क को उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर हम अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा जो पाकिस्तान है वो और ज़्यादा हाई कंट्रीज़ में उसका नॉमिनेशन हो जाएगा, वो भी दूसरी कंट्रीज़ की तरह अच्छी करेंसी में चला जाएगा और अच्छी क्या कहते हैं उसे, बिजनेस में चला जाएगा। लेकिन अगर इंडिया देखें, इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानती है इस चीज़ को? जी, इंडिया हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो मैं लेकिन उसको क्या ज़रूरत है फिर उसको क्या, क्योंकि कभी भी कोई मुल्क कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहता जब तक साल नई चीज़ें लेता है, जब तक दुनिया हमेशा कभी एक तरह की चीज़ों को पसंद ही नहीं करती। आवाम हो या दुनिया हो, मुल्क हो या छोटा बच्चा पैदा हो, हर बंदा चेंज मांगता है लाइफ में, चेंज लाने के लिए कभी स्टिल में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा चलते रहो। इस चेंज से इंडिया को क्या फायदा होगा? इस चेंज से इंडिया को हमेशा से फ़ायदा हो रहा है, उसकी उसको चेंज, वो खुद चेंज लेके आने की कोशिश में होता है। पाकिस्तान समझता है कि वो इंडिया से हमेशा बेटर है, लेकिन पाकिस्तान को बेटर बनने के लिए, बेटर रहने के, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम तो पाकिस्तान के लिए विश करेंगे, पाकिस्तानी ज़रा मोर कॉन्फिडेंट है और कुछ नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान के बाद भी खुद की कोई चीज़ नहीं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही पाकिस्तान में, कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इवन आप एक टेबल भी देख लेंगे ना यहाँ पर पाकिस्तान में, तो उस पर भी मेड इन चाइना लिखा होगा, क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज ही नहीं है, यहाँ पर हम लोग बजट ही मुख्तस नहीं करते हैं, हम लोगों ने ना तो एजुकेशन को बजट दिया है, हम लोगों ने ना तो आईटी को बजट दिया है, किसी भी सेक्टर पर हमारा बजट नहीं है। जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो रहा है, जो गरीब है वो गरीब से गरीब हो रहा है, हर कोई अपना पेट पालने के चक्कर में है। सियासतदानों की, लीडर्स की अगर बात करें तो लीडर्स अपनी कुर्सियों के चक्कर में है, पाकिस्तान पर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, फोकस बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया से इंडिया को इससे क्या फायदा पहुंचेगा, जो मुआवजा आएगा मुल्क पे कहां लगेगा? इंडिया को आप देखें, उनकी इकॉनमी पांचवें नंबर पर है, एंड दे आर
टारगेटिंग चाइना। अब तीसरे नंबर पर उनकी इकॉनमी जो है वो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे नंबर पर 2030 में आ जाएगी। अगर हम 2018 की बात करें, IMF ने ही ये प्रेडिक्शन की थी कि चाइना की GDP को बीच कर लेगा इंडिया, जिसको बखूबी इंडिया ने निभाया भी। कुछ अरसे के लिए चाइना की GDP इंडिया ने जो है वो क्रॉस कर दी थी। अब इंडिया का ये टारगेट है कि वो आने वाले अरसे में इंटरनेशनल मार्केट में जैसे डॉलर यूज होता है, वहाँ पर इंडियन रुपी को जो है वो इंट्रोड्यूस भी इंडियन रुपीस में कर रहा है। एग्जैक्टली, ट्रेड भी जो है वो इंडियन रुपी में कर रहा है। रुपी रियाल ट्रेड आपने सुना ही होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना, तो इस वक्त इंडिया जो है, इंडिया अपने गोल्स बहुत ज़्यादा हाई सेट कर रहा है। चाइना जो एशियन सुपर पावर कहलाया जा रहा है, चाइना जो है वो इंडिया को अपना कंपेटिटर मान रहा है। चाइना, अब आपको पता है कि चाइना और इंडिया, चाइना और ताइवान की जो है वो वॉर चल रही है, इसमें इंडिया जो है वो ताइवान को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन चाइना ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा अपनी क्रिकेट टीम बिल्ड की है जस्ट टू अप्रोच इंडिया, कि इंडिया जो है वो उनको ट्रेनिंग दे और किसी ना किसी तरह हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए। ये सब क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली दे आर सो मच डेवलपिंग कंट्री। अब इंडिया ने जो जर मुबादला के लिए इकदाम उठाया है, इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा उनके अपने मुल्क को? उनके अपने मुल्क को तो फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि उन्होंने ये सारे इकदाम इसीलिए उठाए हुए हैं कि उनके मुल्क आगे निकले। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वो भी बात करते हैं। अभी मौजूदा इंडिया की तो वो अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक इंडिया हैज़ अ मोर पावर, बट हमारी एटमी पावर जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हमारा जो आर्मी के जो हमारे हम जो वेपन्स रखते हैं या हमारी जो एटमी पावर है वो पूरी पाकिस्तान से बेहतर है, पूरी दुनिया से बेहतर है।